चक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्न गुरु मे देव शुभ कार्य कार्येषु नाथ नारायण वासुदेव।
कृष्ण चंद्र भगवान की जय। प्रेम और भक्ति से भरे घर में तीन बाई रहते थे, आदित्य, द्विति और अनिश। उनके माता पिता कृष्ण के परम भक्त थे। उन्हें विश्वास, परंपरा और सम्मान का मूल्य सिखा। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीन बंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांता, श्री राधा कांतन नमस्तुते। हमारे दिलों में शांति बनी रहे और विश्वास का प्रकाश हमारे मार्ग को रोशन करे। भक्ति के इस मार्ग पर हम सत्य और मोक्ष की खोज करते हैं। ओम शांति शांति शांति, अनंत काल में शांति बनी रहे। प्रेम और भक्ति से हम गाते हैं हमारे राधा कृष्ण के लिए जो हमेशा हमसे प्यार करते हैं। मेरा
मेरा सांवरा कन्हैया बड़ा प्यारा लगता है, मेरा सांवरा कन्हैया बड़ा प्यारा लगता है। ये आंखों से बाण चलाए, देख ले जो भी सावल सूरत वो इसका हो जाए। तीर नहीं रखता है ये आंखों से बाण चलाए, देख ले जो भी सावल सूरत वो इसका हो जाए। मुझको तो ये कोई जादूगर लगता है, मुझको तो ये कोई जादूगर लगता है। ओ मेरा मेरा ओ मेरा सांवरा कन्हैया बड़ा प्यारा लगता है, मेरा सांवरा कन्हैया बड़ा प्यारा लगता है। पहने अजब है उसकी शान, सौरभ मधुकर सारे जग से न्यारा मेरा श्याम। हम रुकट माथे पे पहने अजब है उसकी शान, सौरभ मधुकर सारे जग से न्यारा मेरा श्याम। नटखट है पर सबका ये दुलारा लगता है, नटखट है पर सबका ये दुलारा लगता है। ओ मेरा मेरा ओ मेरा सांवरा कन्हैया बड़ा प्यारा लगता है, मेरा सांवरा कन्हैया बड़ा प्यारा लगता है। थोड़ा थोड़ा गोरा थोड़ा काला लगता है, थोड़ा थोड़ा गोरा थोड़ा काला लगता है। ओ मेरा मेरा ओ मेरा सांवरा कन्हैया बड़ा प्यारा लगता है, मेरा सांवरा कन्हैया बड़ा प्यारा लगता है। मेरा सांवरा कन्हैया बड़ा प्यारा लगता है, मेरा सांवरा कन्हैया बड़ा प्यारा लगता है। अरे नया रील आया है खाटू श्याम का। हो पहली बार ये मुझको खाटू वाले ने बुलाया, हो पहली बार ये मुझको खाटू वाले ने बुलाया। हो मौका दिया तूने शाम धनी मैं दौड़ा दौड़ा आया, हो मौका दिया तूने शाम धनी मैं तेरे दर पे आया। मैं किस्मत वाला हूँ बाबा किस्मत को बनाने वाला तू, तू है चाबी खाटू वाले खोले किस्मत का ताला तू। मैं किस्मत वाला हूँ बाबा किस्मत को बनाने वाला तू, तू है चाबी खाटू वाले खोले किस्मत का ताला तू, खोले किस्मत का ताला तू। रिंगस तक आते ही बाबा तूने सोया भाग जगाया, हो मौका दिया तूने शाम धनी मैं दौड़ा दौड़ा आया, हो मौका दिया तूने शाम धनी मैं तेरे दर पे आया। हो कभी तो सोचा था मैंने कब खाटू मुझे बुलाएगा, आज हुआ है सपना पूरा दर्श ये मुझको दिखाएगा। हो कभी तो सोचा था मैंने कब खाटू मुझे बुलाएगा, आज हुआ है सपना पूरा दर्श ये मुझको दिखाएगा, दर्श ये मुझको दिखाएगा। हो तीन बाण के धारी
श्याम धनी मैं तेरे दर पे आया। पावन धरती पे खुशियों का मिले खजाना, तेरे नाम का ऐसा नशा चढ़ा हर कोई है तेरा दीवाना। तेरी इस पावन धरती पे खुशियों का मिले खजाना, के तेरे नाम का ऐसा नशा चढ़ा हर कोई है तेरा दीवाना, हर कोई है तेरा दीवाना। हो बना के मूरत दिल में मैंने मंदिर तेरा बनाया, हो मौका दिया तूने शाम धनी मैं दौड़ा दौड़ा आया। तूने शाम धनी मैं तेरे दर पे आया। बोल खाटू नरेश की। आदि, क्या तुम हमारे साथ पार्टी में आ रहे हो ना? पर रात 12 बजे से शुरू होगा। थैंक्स, पर मुझे तो पढ़ाई करनी है और 12 बजे के मुझे दर्द है। चलो चलो, पता नहीं किस युग का बच्चा है। काश मैं भी गोपी होती और कृष्णा मुझसे भी प्रेम करता। खड़ी है अखियां क्या तेरी मोहन सी जालड़ी है, क्यों तू राधा
रिद्धि ये क्या कर रही हो? नादा, ये इस तक यार किसके लिए बना रही हो? A bit too Indian, old fashion, no? राधा रानी के लिए. Oh my God, चलो चलो, she can't be in our group. Sorry, but ये तो किसी और ही जमाने की लड़की है. मैं तो समझ नहीं सकता लोग इतना बोरिंग खाना कैसे खा सकते हैं. बस कृष्ण बस तुझसे दूरी और ना सहूं मैं तू मिल मुझे हुआ जा रहा ये दिल मेरा बेकाबू है कैसा तेरा जादू ना किसी की चाह ना किसी का मोह मुझको शाम बस रात भर सोचूं मैं तुझसे प्रेम ये जगा क्यों ऐसा जोग ये लगा क्यों आया चल के तुझे मिलने जब से माना तुझे दिल ने तब से चाहूं मैं यही कि कभी तो मिले तू सुने तू मुझे भी दिखे तू जाना ना तू दूर मुझे न करूना मजबूर मुझ पे तेरा ही फितूर मैं बस ढूंढू तुझे चल दिया तू चल दिया कन्हैया कन्हैया ना सता मुझे बुला कन्हैया ये बच्चे तो तुम्हें बहुत ही चाहते हैं रोज तुम्हारी पूजा करते हैं. हाँ तो तुझे नहीं लगता है कि तुम्हें उनकी मदद करनी चाहिए? राधे क्यों नहीं तुम उनकी मदद करने चली जाओ मैं क्यों जाऊँ हमेशा इस बार तुम ही चली जाओ. ठीक है तो फिर मैं ही जाती हूँ. एक नया कंपलसरी सब्जेक्ट गवर्नमेंट ने दिया है 3 महीने के लिए थिएट्रिकल म्यूजिक ड्रामा और ये मैंडेटोरी है. सबको प्रैक्टिस करना है. किसी ने भी मिस किया तो उनको ये साल रिपीट करना पड़ेगा. आई रिपीट किसी ने भी मिस किया तो उनको ये साल रिपीट करना पड़ेगा. Boring! Yo dudes, तैयार हो जाओ अपने अंदर का रॉकस्टार जगाने के लिए. Because me, माधवी, mastermind, आपके सामने हूँ. आपको अपने अंदर को पहचानने के लिए मैं आपकी मदद करूँगी. New drama teacher, बस फिर से ये magic theater का जादू. ओम्ब्रे, एक्टिंग करने से क्या फायदा होगा? पता नहीं ये अब हमें कौन सी स्टोरी बताएगी. जो थिएटर में मैं आपको सिखाने वाली हूँ आपको हर एक वो चीज सिखाएगी कि आप हैरान हो जाओगे. आपको जीना और जीने का तरीका सिखाने वाली हूँ. हमारा म्यूजिकल ड्रामा होगा कृष्ण जीवन.
कृष्णा 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 यस कृष्णा सीरियसली कृष्णा हम किसी मैथोलॉजिकल स्टोरी बांसुरी का रोल करेंगे कृष्णा है कौन पता चला तुम्हें कृष्ण कौन है पर वास्तव में कृष्ण का अर्थ क्या है ये कैसे है कृष्ण बता नहीं सकी कृष्ण अर्थ तो मुझको बता दे सकी कृष्ण क्यों तुमको प्यारा है न्यारा सकी कृष्ण प्रेम हृदय कृष्ण जादू कोई कृष्ण खुशबू सखी कृष्ण बंधन परंगण में जानो सखी कृष्ण सारे रंगों में है प्यारा रंगी कृष्ण ज्ञान की खिलती हुआ एक गली कृष्ण दिल को लुभाने वाली एक
सखी आनंद ही सर्व में बसता सखी जिंदगी कृष्ण ही जिंदगी तू भी देखे उसे कृष्ण मस्ती चढ़ी जिंदगी कृष्ण ही जिंदगी आनंद ही प्रबल इनसे होता सखी आनंद ही सर्व में बसता सखी। आप भरोसा रखो ये जन्माष्टमी युगों युगों तक सबको याद रहेगी और इसके पश्चात आप उस परमात्मा में विश्वास करना शुरू करेंगे, धर्म की रक्षा करोगे, प्रेम की बोली सीखोगे और जिंदगी में हर स्थिति का सामना कर पाओगे। बाबा वो हम मथुरा नगरी घूमकर देख ले। मथुरा घूमना है? बिल्कुल नहीं जाना, शांत होकर सब यहीं बैठे रहो। बाबा बैठे बैठे थक गए, थोड़ी थकान दूर कराते हैं ना। थकान नहीं पुत्र, अपना भार कम करो, थकान तो स्वयं ही दूर हो जाएगी। ये मथुरा है कंस महाराज की नगरी, गोकुल की गलियां या तुम्हारी यमुना जी का तीरा नहीं। जगह जगह लंबे चौड़े सैनिक तैनात रहते हैं और विशेषकर उत्पात मचाने वालों को तो सीधा कारागार का ही मार्ग दिखाते हैं वे, समझे? बाबा हमारे साथ भी मोटू, मनसुखा, लंबू और फिर हमारे दाऊ भी तो है, फिर चिंता कैसी? क्यों दाऊ? हाँ हाँ बाबा, मैं हूँ ना, चिंता ना कीजिए, हम बस यूं गए और यूं आए। हाँ बाबा जाने दो ना, जाने फिर कब मथुरा आना हो। अच्छा ठीक है, पर कुछ नियम स्वीकारने होंगे, वचन देना होगा। पहला वचन, नगरी में कोई उत्पात बिल्कुल नहीं मचाना। जी बाबा, नहीं मचाएंगे। दूसरा नियम, हाट बाजार से कुछ खरीदना नहीं। तो उड़ा कर ले आएंगे। धत, ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं करना। और तीसरा वचन, ग्वाल बालों तुम्हें जो एक बुरी आदत है ना, बात बात पर अपने इस कन्हैया और दाऊ की जय जयकार करने की, वो क्या कहते हो तुम सब? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, दाऊ जी महाराज की जय। बस 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 बस, ये बिल्कुल नहीं कहना, यहाँ कंस महाराज की जय होती है। जी बाबा, अब आज्ञा दे दीजिए ना। उचित है, अब जाओ और मथुरा का वैभव देखो।
कर अरे कर लो तैयारी मिलजुल के सारी हे कर लो तैयारी मिलजुल के सारी दुर्लभ अवसर पायो रे ओ मथुरा में मचे धमाल खाना जीवन लो संभाल खाना अनमोल, यशोदा मैया का प्रेम अद्भुत था। वो अपने लल्ला को जब देखती थी तो सद्बुद्ध खो देती थी। ऐसा ही प्रेम तुम्हें एक्ट करना है। अनमोल को क्या हुआ है? चलो चलो उसे पूछते हैं। क्या हुआ, अब इतना परेशान क्यों हो? मेरी छोटी बहन गुम हो गई है और ये टीचर कह रही है कि मैं इन बच्चों के साथ खेलूं। मैं तो इन बच्चों को देखकर और भी मायूस हो रही हूँ। आपकी छोटी बहन जरूर मिलेगी, मगर आपको विश्वास करना पड़ेगा। विश्वास मींस? इसी युग में नरसिंह नाम का एक भक्त जन्म लिया गुजरात में। नरसिंह कृष्ण भक्त थे, सदा संतों की सेवा करते थे। उनकी कृपा से जो बोलने की शक्ति बचपन में चली गई थी उनको वापस मिल गई। भक्तों की लाज रखता कृष्ण कनाई है, उनको कभी भी दुख की छाया ना पर पाई है। फकीरों की दुआ से मिट गई कठिनाई रे। भक्तों की लाज रखता कृष्ण कनाई है, उनको कभी भी दुख की छाया ना पर पाई है। फकीरों की दुआ से मिट गई कठिनाई रे।
फकीरों की दुआ से मिट गई कठिनाई रे। नरसिंह, हम आपकी सेवा से प्रसन्न हुए। आप बनोगे बड़े शायर और सबके मन में लाओगे कृष्ण प्यार। सारा हिंदुस्तान करेगा आपका गुणगान। संतों की सेवा में मगन, कृष्ण के प्रेम में लगन, तेरी परीक्षा के दिन आ गए। कुछ संत पधारे गुजरात में और ब्राह्मणों से पूछने लगे, महाराज कोई है जो हमको उंडी दिला दे, द्वारकापुर जाना है, सेवा करनी है, भोजन खिलाना है, हमें हुंडी की बहुत जरूरत है। इनको भेजते हैं गरीब नरसिंह के पास, सदा कृष्ण कृष्ण जपता है, देखें कैसे देगा हुंडी। नरसिंह, ओ नरसिंह, ओ नरसिंह, कोई है इस नाम का? नरसिंह जी कहते हैं आप ही हमें द्वारका में हुंडी दिला सकते हो, आपका परिचय गांव के कुछ ब्राह्मणों ने दिया है। हमें तो गरीब बेवरा, कैसे करूं अब मना, तेरे परीक्षा के दिन आ गए। हे प्रभु, अब मेरी लाज आपके हाथों में है, दे रहा हूँ हुंडी, इन पैसों से गरीबों को दान कर पाऊंगा, उनको स्वादिष्ट भोजन खिलाऊंगा। हे कृष्णा, मेरी लाज रखना। संतों, ये लो हुंडी, श्यामला शाह के नाम से है, वो आपको पैसे दे देंगे। हर जगह श्यामला को जाने ना कोई, तेरे परीक्षा के दिन आ गए। हे प्रभु, हे गिरदारी, नरसिंह तो ठग निकला, इस नाम का तो कोई यहाँ है ही नहीं। झूठा भगत नरसिंह। कृष्ण, अपने भक्त को बचाओगे नहीं? वो तो आपको सब समर्पण कर चुके हैं। क्या कोई मुझे ढूंढ रहा है यहाँ? मैं श्यामला शाह हूँ।
नरसिंह ने आपके नाम की हुंडी दी है। नरसिंह तो मुझे बहुत प्रिय है। ये लो हुंडी के पैसे, इससे सबको खूब भोजन खिलाना और सेवा करना। भक्तों की लाज रखता कृष्ण कनाई है, उनको कभी भी दुख की छाया ना पड़ पाई है। फकीरों की दुआ से मिट गई कठिनाई रे। भक्तों की लाज रखता कृष्ण कनाई है, उनको कभी भी दुख की छाया ना पड़ पाई है। फकीरों की दुआ से मिट गई कठिनाई रे। फकीरों की दुआ से मिट गई कठिनाई। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते, तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। ओ नरसिंह भक्त की जय। ओ द्वारकाधीश की जय। तो अब दिल से ये प्रार्थना करो और आपकी बहन मिल जाएगी। ओम देवकी नंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। छोटी बहन मिल गई। वो एक पार्क में बैठी हुई थी और एक बांसुरी बजाने वाला उसे घर ले आया, पर उसे कैसे पता हम कहाँ रहते हैं? वासुदेव को सब पता है, बस हमारी सोच में कमी है। मथुरा में
नंदे ओंदे कृष्ण भगवान पंहिंजे मामे खे पाठ पढ़ण वियो, पर ऐं पंहिंजे पिता खां मोकल घुरी कि मूंखे मथुरा वञिणो आहे ताकि पाप जो अंत थे। तारे ही बार सभी स्कूल में हुआ, उन्हें जी टीचर आई है, नई टीचर आई है, जेका हने के धर्म के बारे बुलाई थी। ऐ हारे बार के धर्म में क्या विजु? उन्हें के भगवान जो गायन में किथे किथे नाटक करन जरूरी है ताकि बार के समझन में अचे कि भगवान आए के उन्हें जी शक्ति आए के ऐ जेके माता पिता के विसरी वियो आहे के भगवान थींदो आहे उने के भी असा जे याद ता दिलाए। अरे ये क्या हो रहा है यहाँ? कहता पसंद ना की बस सैलेड खा रहे हैं, क्या दिखाई नहीं दे रहा? सैंडविच है ब्रो। खैर, कोई मुझे एक चाकू दे सकता है पर फावर? मैं दूंगी मैम को चाकू, हटो यहाँ से। नहीं, मैं दूंगी रीना, तुम हटो। नोते मेता, तुम तो हमेशा दखल देती हो, इस्ता वे जो लो आरे। मैं दूंगी। नहीं, मैं दूंगी। मैं दूंगी। मैं दूंगी। मैं दूंगी। मैं दूंगी। मुझे दर्द हो रहा है, हेल्प। सोचो जानवरों को कितना दर्द होता होगा जब उन्हें मारा जाता है। माथे से लगा लूं हाथ छूके मैं पैर तेरे, हो दिल में बसे हो तुम और इस मन मैं मेरे, ओ मेरे कान्हा तुम मेरे ही हो, ओ मेरे सारे दुख हो। हमने दुनिया में रंग देखे हैं इश्क के सहारे, के फीके लगे हैं सब रंग मुझे इनके आगे, जैसे कान्हा संग राधा है ये इश्क है, संग शिव के माँ गौरा है ये इश्क रे, दुनिया में सबसे सच्चा ये इश्क रे, दुनिया में सबसे मीठा ये इश्क रे। खाटू महाराज रे सर पे ताज रे, आया हूं मैं दुनिया से हार के, राखो मोरी लाज रे हे दीन दयाल रे, खाटू वाले सुन मेरी बात रे, सबके तो सुनता है झोलिया भरता है मेरे भी सुन ले पुकार रे, ओ खाटू वाले ओ वाले मुझको बुला ले, मैं हूँ तेरा ओ तेरा अपना बना ले, अपने तू भक्तों में नाम मेरा लिखा दे, जीवन की नैया मेरी पार तू लगा दे, दर पे बुला ले चरणों में लगा दे, बाबा मैं तेरा रे, Mm-hmm.
तेरा काम मेरा, नाम तेरा काम मेरा, करता एक है जब से हुआ तेरा मेरा साथी एक है। जो भी कहूँ तुझसे कहूँ हाल जिगर के, देर से मचला हुआ जज्बात एक है। ख्यालों में रहता है दूर न जाता है, मुझको भी दिल में बसा ले। अपने तू भक्तों में नाम मेरा लिखा दे, जीवन की नैया मेरी पार तू लगा दे। दर पे बुला ले, चरणों में लगा ले, बाबा मैं तेरा रे, हाँ अपना तू बना ले। चरणों में लगा ले, बाबा मैं तेरा रे, हाँ अपना तू बना ले। मगर हम तो कलयुग के हैं, भगवान तो हमें कभी दर्शन नहीं देगा, तो फिर इतनी पाठ पूजा का क्या फायदा? नाइस, अब आप लोगों ने सोचना शुरू किया है। अच्छा बताओ, कृष्णा का बेस्ट फ्रेंड कौन था? सुदामा। करेक्ट, तो सुदामा ने लिया जन्म कलयुग में नामदेव बनके। जो कृष्ण के भक्त है वो सदा इस धरती में आते हैं उनके प्रेम को महसूस करने के लिए, दूसरों को जगाने के लिए, और संत बनके इस धरती पे आते हैं। नानू, बिटला को रोज मैं दूध पिलाऊंगा, आप बेचैन होके जाओ। छोटा बच्चा मेरा बिटला को कैसे संभालेगा? जैसे आप संभालते हो वैसे मैं संभालूंगा। नानू ने मुझे ये काम दिया है, मुझे पता है कि मैं नानू के तरह अच्छा भक्त नहीं हूँ, मुझ में बहुत सारे दोष हैं, पर अगर आप ये दूध नहीं पियोगे तो मैं भी कुछ नहीं खाऊंगा। कष्ट कटीजे दुख हरीजे, आया तेरे शरण प्यारा तेरा। पियो बिटला दूध, पियो बिटला, पियो दूध, पियो बिटला, पियो दूध। पी लो दूध।
रूप राधा का मैंने लिया, तेरी मुरली पे झूमे जिया। वो रूप राधा का मैंने लिया, तेरी मुरली पे झूमे जिया। तुमसे नैना जुड़ी सावरी, मैं दीवानी हुई रे पिया। मन मरु नाचे रे, प्रेम रंग लागे रे, झुनरी नाचे रे गाए रे आयो झुमरे बरसे सावन सावरिया, फूके रे कोयल तारी डगरिया। राधा, ओ राधा, क्या हुआ? कृष्णा, तुम मैनिंग वालों ने हमारा मजाक बनाया और तुम हमेशा उनके साथ ये सब करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है? हाँ, हमेशा तंग करते रहते हो और फिर माफी मांग लेते हो कि जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। अरे राधा, ये सब बस मजाक था, तुम लोग इतना गुस्सा क्यों हो? मजाक? तुम्हें लगता है हमारा मजाक उड़ाना सही है? राधा, हमसे गलती हो गई है, हम बस खेल रहे थे। काना, अब तुम क्या करोगे, राधा को कैसे मनाओगे? चलो नाच लेते हैं। चलो देखते हैं क्या करने वाले हैं। शाम लागे जुआदे, कैसे कन्हैया को काजल बना दे, पलकों पे अपनी सजाया बता दे। वो सच बोल दे न जाए शर्माए राधे, बोल कैसे कन्हैया की जाए राधे। शामले मेरी थामी कलाई, थामी कलाई हो थामी कलाई। सवार काना को राधा बनाकर, सवार राधा बनी है कहाई। और पूछो ना क्या क्या बनाई राधे, तो तुम्हें ऐसे कन्हैया बिछाए राधे।
है, रंगत है, सखियों की संगत है, मन में है।
तो बताओ, जीवन में आपको क्या बनना है? क्या बनना चाहते हो तुम लोग? I wanna be rich. मुझे तो number one बनना है. I want power. I want to be the most powerful. मुझे तो क्यारा अडवाणी जैसा बनना है. I wanna be the most beautiful. मुझे ना लॉयर बनना है. सर उदिल, मैं संसार के काम आऊं. के प्रिंगाड़ आवड़ो. एब्सोल्युटली, हम संसार में आए हैं सिर्फ नाम शोहरत और पैसे कमाने के लिए नहीं. संसार में किसी न किसी के काम आए, जैसे सूर्य प्रकाश देता है, पानी प्यास बुझाती है. अगर प्रकृति आपकी तरह सोचने लगे तो फिर बाय बाय दुनिया. देखो कैसे बड़े बड़े योद्धा इस युग में देशभक्ति, प्रकृति की भक्ति करते हैं. इसी प्रकार एक महान संत सतगुरु स्वामी देव राम जी महाराज इस एक छोटे से गाँव में पैदा हुए थे, खंडू में. मगर इतने लोगों का उद्धार किया है कि पूरी दुनिया में उनका नाम अमर है. और अभी तो उनके शिष्य सतगुरु स्वामी भगत प्रकाश जी महाराज अपनी निर्मल स्वभाव से पूरे स्पेन को मोहित कर चुकी है. तो अगर संसार के काम आओगे तो आप इन एक्टर से ज्यादा फेमस बन जाओगे और पूरी दुनिया आपको सदा सदा के लिए याद रखेगी. होमवर्क प्लीज. होमवर्क प्लीज. ये गलत है, आप उनको होमवर्क करके दे रहे हो. यस मैम. नहीं, ये गलत है. झगड़े पसंद नहीं मुझे. वैसे भी मम्मा कहती है कि संसार स्वप्न है, तो मैं लड़ाई क्यों करूं? स्वप्न तो है संसार, परंतु धर्म को नहीं बुला सकते. कृष्ण ने अर्जुन को भी यही समझाया था. स्वधर्मम अपि चावेक्ष्य नाविकम्पितुम् अर्हसि धर्मयादि युद्धाच श्रेयोन्यत क्षत्रियस्य न विद्यते. पार्थ, तुम कब आए? प्रणाम केशव. हे वासुदेव, अर्जुन से पूर्व मैं आया हूँ. सर्वप्रथम मेरा प्रणाम स्वीकारें. ओ गांधारी नंदन, तुम भी आए हो. लगता है कोई विशेष कारण है. तो कहो कौन थे, किस हेतु यहाँ पधारे? क्षमा कीजिए द्वारिकाधीश, आपको अर्जुन से पूर्व मेरा आग्रह जानना चाहिए. हाँ केशव, भ्राता दुर्योधन मुझसे पूर्व यहाँ पधारे हैं. परंतु मेरी दृष्टि ने तो सर्वप्रथम तुम्हें देखा है पार्थ. और नीति भी कहती है कि अनुज को अग्रज से पूर्व सम्मानित किया जाना चाहिए. इसलिए मैं पहले तुम्ही से आने का कारण पूछूंगा पार्थ. आगामी युद्ध के लिए मैं आपकी सहायता मांगने आया हूँ गिरधर. मैं भी इस युद्ध में आपकी सहायता मांगने आया हूँ द्वारिकाधीश. आप दोनों ही मेरी सहायता की अपेक्षा कर रहे हैं. इस हेतु तो मुझे अपनी शक्ति का विभाजन करना होगा. स्पष्ट कहिए वासुदेव, आपका अभिप्राय क्या है? स्पष्ट? तो सुनिए भ्राता दुर्योधन, दोनों पक्षों के हेतु करता अपनी शक्ति विभाजन. एक ओर होगी सशस्त्र मेरी चतुरंगिनी सेना अविजित, और दूसरी ओर स्वयं मैं वासुदेव कृष्ण निहत्था खड़ा रहूंगा. मेरा प्रण है रणभूमि में कोई शस्त्र धारण ना करूंगा. कहो पार्थ, तुम क्या चुनोगे? सेना की अभिलाषा ना कोई,
कामना कृष्ण की करता हूँ, सारथ्य मेरा स्वीकार करो, याचना कृष्ण की करता हूँ। तथास्तु। अब मैं अनुज का हृदय तो नहीं दुखा सकता वासुदेव, चतुरंगिणी सेना से ही संतोष कर लेता हूँ। प्रणाम। सौभाग्य ना सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए। बस मामा श्री, बस। अब मेरी ओर से और प्रयास नहीं। उस वासुदेव के हृदय में केवल पांडव विराजते हैं, वो उनका ही हित साधता है और उन्हीं के कल्याणार्थ योजनाएं बनाता है। ऐसे धूर्त प्रपंची के स्वागत के लिए आप मुझे सच करना चाहते हैं? हाँ। प्रिय भांजे, स्थिति को समझने का प्रयास करो। एक बार की सहायता से हम युद्ध जीत जाए तो फिर हस्तिनापुर भी हमारा और इंद्रप्रस्थ भी हमारा। उचित है मामा श्री, तो चलिए ऐसा भव्य स्वागत करते हैं उस द्वारिकाधीश का कि वो पांडवों का हित और आतिथ्य दोनों भूल जाएगा। है द्वारिकाधीश, आइए इस हस्तिनापुर राजमहल का आतिथ्य स्वीकार कीजिए। नहीं दुर्योधन, मुझे अपने प्रिय परिजन का निमंत्रण पहले ही प्राप्त हो चुका है। हस्तिनापुर में द्वारिकाधीश का भव्य स्वागत सत्कार हुआ। जनमनोरंजन श्री कृष्ण का दर्शन पा सब आह्लादित हो उठे और तब भावी युद्ध के महाविनाश को रोकने, पांडवों के आधे राज्य की न्यायोचित मांग का पर्याय लिए हस्तिनापुर की सभा में शांतिदूत वासुदेव कृष्ण ने शांति प्रस्ताव प्रस्तुत किया। दुर्भाग्य का कैसा चक्र चला, दुर्योधन का ना अहम गला, कर विश्व रूप का दर्शन भी मन में ना भक्ति भाव पला। है धन्य धन्य पांडु नंदन, जो किया है सर्वोत्कृष्ट चयन। आज पासे है समय फिर फेंक रहा, जीवन भी तो है चौसर पट। अपना चुनाव निर्धारित करता, विजय तिलक या हार विकट। किंतु
धर्म युद्ध में धर्म पक्ष ही धर्म ध्वजा फहराता है। बलगा श्री कृष्ण को सौंप के ही जीवन रण जीता जाता है।
ये लो कृष्ण की मूर्ति, इसे संभाल के रखना। ये मूर्ति कल जन्माष्टमी में रखेंगे। यस मैम। मूर्ति गुम हो गई है। गुम हो गया है या किसी ने जबरदस्ती तुमसे ले लिया है, बताओ। मैम मेरा कसूर है। तो आप इस प्लेस से बाहर हो। मुझे पता है आपने गुम नहीं किया है, किसी ने तुमसे लिया है, मगर आप कुछ कहते नहीं तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। आपको सजा भुगतनी पड़ेगी। मैम मूर्ति हमारे पास है। पर्दों प्रोफे, आदि का कोई दोष नहीं। अब सब आराम करो, कल जन्माष्टमी है, सबको कृष्ण का संदेश समझाना है। भविष्य से आए हैं, हमने सोचा कि क्यों ना अपने प्यारे कृष्ण का जन्मोत्सव कैसे मनाया जाता था वो ही दिखाएं। अरे तो आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं, यहाँ कृष्ण जन्मोत्सव ही मनाया जा रहा है। अच्छा तो ठीक है फिर, आज भूत और भविष्य दोनों मिलकर मनाएंगे श्री कृष्ण जन्मोत्सव।
Oh,
सज बड़ी खुशी की गाल है तो सभी प्रेम पारण गर्जी करे भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के उपलक्ष में जन्माष्टमी के पर्व से सुठी तैयारी करे सुठी तरह से भगवान की लीला जो चित्रण किया है सजी संगत के मथा सतगुरु की आसीस रहे अगते बहरा शुभ कार्य भगवान जो सतगुरु जो लीलाओं कंदा रहन सतगुरु की आसीस सजी संगत के मथा रहे जन्माष्टमी के पर्व जो सभी प्रेमियों के लख लख वाधायूं हाणे कीर्तन जो समय आयो आहे थोरिन मिंटन में भगवान श्री कृष्ण जनम वठंदा त जंहिंखे भी खुशी आहे जेके उथी करे भगवान कृष्ण जो स्वागत करे था सघो पंहिंजे सीट मां उथो पंहिंजे फोन जो टॉर्च ऑन कजो ऐं ॾिसो तव्हां घर भगवान श्री कृष्ण जल्दी जल्दी दर्शन था ॾियनि कंदा टॉर्च 1 2 3 4 भले उथी था सघो राधे 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 श्याम गोविंद राधे श्री राधे गोविंद राधे राधे श्याम गोपाल राधे राधे गोविंद राधे राधे श्याम गोपाल राधे राधे गोविंद राधे राधे श्याम गोपाल राधे राधे ओ गोविंद राधे राधे श्याम गोपाल राधे राधे श्री राधे जय श्री राधे जय श्री राधे Yeah.
राधे राधे।